सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र कपूर, देवभूमि हिमाचल के इन पहाड़ों में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं, बकरियां बड़े ही चाव से घास खा रही हैं। तो दोस्तों, ये काली वाली बकरी है, ये बहुत ही शैतान है। इसका मैं आपको सही से व्यू दिखाऊं। तो दोस्तों, पेड़ पतले से पेड़ में ये मतलब ऐसे टांगे फंसा के इन पत्तों को खा रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ ऐसे ही हमें ज़िंदगी में अपना संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तो तब तक हम किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं, देखो कैसे ये पेड़ को ऐसे नीचे करके, और दोस्तों ये जो बकरी है कैमरे की तरफ ऐसे देख रही है जैसे इसको लग रहा है कि पता नहीं क्या मतलब ये चीज़ है। तो दोस्तों, इसको देख के दूसरी बकरी भी यहाँ पे आ गई है। तो दोस्तों, अगर इसको मैंने कैमरे को पीछे नहीं किया तो दोस्तों इसको खा भी सकती है ये। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ बकरियाँ चराने आया हूँ, तो दोस्तों साथ में मुझे एक भी और भी काम करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी तो ये थोड़े बहुत घास पत्ते खा के अपना पेट भर लेंगे, लेकिन दोस्तों इनकी जैसे सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए कुछ यहाँ से मेरे को पेड़ से पत्ते काट के ले जाने पड़ेंगे जिससे सुबह इनको डाल सके, तो इनका पेट उससे भर सके। तो दोस्तों बने रहिए, मैं आपको आगे के कुछ व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि थोड़े से ये हरे पत्ते काट लेते हैं जो बकरी के लिए सुबह काम आएंगे, तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने ये काट लिया है, तो इसको जल्दी से इकट्ठे कर लेते हैं। दोस्तों, पहाड़ों में कुछ ऐसे ही काम होते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करने पड़ते हैं। अगर पशु पालने पड़ेंगे तो ऐसे काम तो करने ही पड़ेंगे। दोस्तों, पशु पालने के भी यहाँ पे बहुत फ़ायदे हैं, जैसे पशु पालेंगे तो उनसे दूध मिल जाएंगे, और साथ में ये जो घास काट के ले जा रहे हैं इसी की हमें जो छोटी लकड़ी है वो भी आग जलाने के काम आती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं, पहाड़ों में आज की डेट में भी आप विश्वास नहीं करेंगे कि मतलब सिलेंडर से ज़्यादा लकड़ी का ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लकड़ियाँ पहाड़ों में मतलब थोड़ी चलो होती है, खेतों में खुद भी ऐसे लकड़ियाँ लगा के रखी होती है। तो दोस्तों, जल्दी से इसको बांध लेते हैं, क्योंकि पता नहीं हम यहाँ पे मैं यहाँ पे ये घास ही काटता रहूँ और बकरियाँ कहीं जाके किसी और के खेत में घुस जाए, तब तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं, मैंने इस घास को अभी अच्छी तरह से बांध लिया है, तो इसको यहीं पे ही रख के जाते हैं, और बाद में जब हम बकरियों को लेके जाएंगे तो इसको ले चलेंगे, और इसको भी संभाल के रख लेता हूं। दोस्तों, ये यहाँ के पहाड़ी स्टाइल का, इसको यहाँ पे द्राट बोलते हैं। तो दोस्तों, ये यहाँ पे बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादातर ऐसे खेत के काम के लिए, जैसे खेतों में
जैसे वो और पर झाड़ी होती है उनको काटना लकड़ी के लिए बहुत ज़्यादा, तो इसको मैं जल्दी से संभाल के यहाँ पे रख के जाता हूँ। और अभी देखता हूँ कि बकरियाँ पता नहीं किस साइड पहुँच चुकी है, तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं, कहीं भी मेरे को यहाँ पे बकरियाँ नज़र नहीं आ रही है, तो दोस्तों ज़रूर कहीं पे ऐसा ना हो कि जिसका मेरे को डर था कि किसी के खेतों में ना चली गई हो, तो जल्दी से उनको ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों जैसे ही मेरे को वो मिल जाती है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कहाँ पे है, तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जैसे तैसे मैंने बकरियों को ढूंढ ही लिया है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो बकरियां होती है बड़ी शैतान होती है, अगर आप 5-10 मिनटों के लिए भी आपकी ये नज़रों से ओझल हो गई तो पता नहीं होता ये किसके खेत में जाके नुकसान कर दें। और यहाँ पे आसपास में जो फॉरेस्ट वालों ने पौधे लगा के रखे होते हैं, पता नहीं वहाँ जाके नुकसान कर दें। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कहाँ पे अभी मौजूद है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इन बकरियों को मैंने ढूंढ ही लिया है, तो दोस्तों मेरे सामने यहाँ पे परे ये चर रही है, और एक बकरी और कहाँ है मेरे को दिखाई नहीं दे रही। तो दोस्तों ये रही दूसरी बकरी। तो दोस्तों मैं बताऊं, अगर मैं मतलब 1 मिनट और यहाँ नहीं आता तो सामने मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो ये तार बंदी की हुई है, तो दोस्तों यहाँ पे ये अभी यहाँ पे अंदर घुसने वाली थी, तो अगर यहाँ पे ये चली जाती तो बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि आगे दोस्तों फॉरेस्ट वालों ने छोटे छोटे पौधे लगा के रखे हुए हैं, तो अगर उनको काट लेती तो बड़ा ही बुरा काम हो जाता। तो दोस्तों समय रहते हुए मैंने इसको ढूंढ लिया है। तो दोस्तों मैं आपको भी बताऊं कि जब भी हम मतलब पशु वगैरह चराने जाते हैं तो दोस्तों हमें बड़े ही ध्यान से उनको देखना चाहिए, मतलब अगर ऐसे जानबूझ के किसी का नुकसान हो गया तो दोस्तों अच्छी बात नहीं होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं, अब सुबह के करीब 10 बज चुके हैं, तो 7 बजे हम बकरी को चराने लेके गए थे, तो अब वापस घर की ओर चलते हैं और बाकी कुछ और घर में दिनचर्या का काम करते हैं। तो बकरियों का भी अब पेट भर चुका है, बड़ी ही मस्ती से दौड़ रही हैं, तो मिलते हैं आगे। दोस्तों सामने का व्यू कुछ ऐसा है जो हमारे यहाँ पे गांव है। दोस्तों बड़ी ही ढलान वाली जगह में ये गांव बसे हुए हैं। आज तो हमारा गांव सड़क से भी जुड़ रहा है, तो सामने का आपको मैं व्यू दिखाऊं, तो सड़क आने से गांव में बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो गई है। सड़क आने से लोगों ने अपने घरों के नए तरीके से निर्माण करना शुरू कर दिया है, क्योंकि घर की सारी सामग्री आराम से पहुंच रही है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं, बिल्कुल घर के करीब आ पहुंचा हूं। तो दोस्तों यहां पे एक गाय और बैल यहां पे है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैंने कैमरा इस तरफ किया तो गाय ऐसे देख रही। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल।